नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लॉन्ग रन शेयर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चार ऐसी बड़ी ग्रुप की बात करेंगे जिनके दो दो शेयर में आपको SIP या लमसम में पैसे निवेश करने हैं और फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न लेना है। फ्यूचर की टेंशन नहीं करें। देखिए, हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहला शेयर लेते हैं दोस्तों, यह है SDFC बैंक। देखो, आपके स्क्रीन पे जो आ रहा है SDFC बैंक, SDFC ग्रुप का बहुत अच्छा शेयर है। अगर आप इसके सीधे, मैं ज़्यादा फाइनेंशियल्स में नहीं जाऊंगा और आपको सीधे लॉन्ग टर्म के हिसाब से बता रहा हूँ, 5 से 10 साल के हिसाब से। देखिए, इसका तो आपका सीधे कैसे आपके पैसे को मल्टीपैगर बना रहा है। तो दोस्तों, SDFC बैंक पहला शेयर है इस SDFC ग्रुप का। दूसरे पे हम जाते हैं SDFC लाइफ। SDFC लाइफ दोस्तों, आने वाला टाइम SDFC लाइफ इंश्योरेंस का है, क्योंकि लोगों की इंश्योरेंस में धीरे धीरे लोग आने वाला जो जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन है, इंश्योरेंस ज़रूर करवाएगी। और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, आप इसमें भी बहुत अच्छा निवेश कर सकते हैं। अभी तो इस अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको लिस्टेड हुए, इसलिए इसके ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसे लिस्ट हुए, तो आप इसमें भी अच्छे SIP के थ्रू इसमें डाल सकते हैं। दूसरा तीसरा दूसरे ग्रुप की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो वो है टाटा ग्रुप। आप जैसे जानते हैं कि रतन टाटा की कंपनी है जो इसके मालिक है, और टाटा मोटर्स इस टाइम बहुत डाउन चल रहा है। आने वाला टाइम EV का है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। टाटा मोटर्स ने देखिए दोस्तों, पास्ट में रिटर्न अच्छे बन दिए भी हैं, और उसके बाद बहुत डिप भी मारा है, तो आप चाहें तो इसमें निवेशित हो सकते हैं। टाटा मोटर्स एक अच्छा ऑप्शन है, फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। और इसी टाटा ग्रुप का दूसरा शेयर है TCS। दोस्तों, TCS बहुत अच्छा शेयर है, टाइम टाइम पे क्वार्टर डिविडेंड देता है, ये साल में आपको 2 से 4 बार डिविडेंड भी दे देता है। बहुत अच्छा स्टॉक है, फ्यूचर भी इसका बहुत अच्छा है, और इसने आपने आने वाले निवेशकों का पैसा बहुत अच्छा बनाया है। देखिए, कभी नीचे को नहीं आया, ऊपर को ही आया, लॉन्ग टर्म में इसने बहुत अच्छा पैसा बना के दिया है। तो ये ऐसे है, TCS तो गारंटी है आपके पैसे को बड़ा करने की। तो टाटा दोस्तों, SDFC ग्रुप हो गया, टाटा मोटर्स ग्रुप हो गया। अब जो हमारा तीसरा ग्रुप है, हम तीसरे ग्रुप की बात करते हैं, तो दोस्तों तीसरा ग्रुप नन अदर रिलायंस। रिलायंस एक बहुत अच्छा इंडिया का सबसे जाना माना शेयर है, और अच्छा बिजनेस है, मॉडल है। अभी क्योंकि इन्होंने अपना बिजनेस को भी डाइवर्सिफाई कर लिया है दोस्तों, ये रिटेल में घुस चुके हैं। आने वाला टाइम में हो सकता है कि पेट्रोलियम की डिमांड कम हो, तो इनका पेट्रोलियम से उतना रेवेन्यू जनरेट ना हो, तो इन्होंने रिटेल और जियो के थ्रू मार्केट में बहुत तगड़ी पकड़ बनाई है। तो दोस्तों देखिए, इनका भी देखिए पैसा, इस कंपनी ने भी लॉन्ग लॉन्ग टाइम में बहुत अच्छा पैसा बना के दिया। तो दोस्तों यही है, 5 से 10 साल निवेशित रहना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म के जल्द इन शेयरों में धीरे धीरे आप SIP करिए, और बहुत ज़्यादा गिरावट आती है तो लमसम में डालिए। तो इसका दोस्तों आलोक इंडस्ट्री भी आपकी रिलायंस की ही कंपनी है दोस्तों, ये रिलायंस, तो आप चाहे तो इसमें भी निवेश कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा नियर फ्यूचर में। इनका भी रिटेल का कारोबार है, नहीं, इनका एक कपड़ों को टेक्सटाइल का कारोबार है। तो दोस्तों आप ये देखो, ये अभी कुछ टाइम पहले आलोक इंडस्ट्री को इन्होंने टेक ओवर किया है। तो दोस्तों अभी तो धीरे धीरे इनमें SIP डाल के आप 5 से 10 साल के लिए रखो। चौथा जो सबसे बड़ी ग्रुप है दोस्तों, वह है बजाज बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में की तो बजाज फाइनेंस तो बहुत ही अच्छा पैसा आपको बना के देगा। अगर आप बजाज फाइनेंस ने तो लोगों को करोड़पति वैसे ही बनाया है जिन्होंने इसमें पहले निवेश किया। देखिए, सीधे देखिए, आपको चार्ट से ही पता लग रहा होगा। तो दोस्तों हो सकता है आने वाले टाइम में भी ये आपको आपका पैसा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना के दे, क्योंकि इनका कुछ बिजनेस ही ऐसा है जो लोन देने का। आने वाला टाइम है देखो, इंश्योरेंस और लोन पे तो दुनिया टिकने वाली है, और इंडिया धीरे धीरे इस ओर जा रहा है। तो दोस्तों, और इसी का बजाज फाइनेंस
बजाज, बजाज ग्रुप का ही लास्ट हमारा लास्ट शेयर वो है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व भी देखो इसकी पेरेंट कंपनी है बजाज फाइनेंस की, और ये भी आने वाले टाइम में आपको मल्टीबैगर बना के देगा, और इसने पहले भी दिया है और देगा। बीच में थोड़ा डाउन हुआ था। तो दोस्तों ये चार बड़े बड़े ग्रुप हैं जिनमें आपको थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है। इनके दो दो शेयर, दो दो शेयर, एक एक शेयर लेते रहिए 5 से 10 साल तक ले, और देखिए आपका पैसा, आपका पोर्टफोलियो कितना स्ट्रांग बनेगा। तो दोस्तों आप धीरे धीरे इनमें पैसा निवेशित करिए और अपना फ्यूचर बनाइए दोस्तों। और आपको अगर यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।